स्टार प्लस का सबसे पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में शो के 20 साल के जनरेशन लीप के बाद आयशा सिंह ने नए एक्टर्स की एंट्री पर कही ऐसी बड़ी बात। बेटी सावी की एंट्री पर आयशा सिंह ने दिया ऐसा रिएक्शन। तो फिर चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है नए कैरेक्टर को लेके आयशा सिंह ने शो से एग्जिट लेने के बाद। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। गुम है किसी के प्यार में शो में इन दिनों नई कहानी की शुरुआत हो गई है, लेकिन शो की सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टर सई और विराट की एग्जिट हो। शो में भाविका शर्मा निभा रही हैं सवी का कैरेक्टर जो कि आयशा सिंह के बेटी का कैरेक्टर है जिसको खुद ब खुद आयशा सिंह ने इंट्रोड्यूस किया है। वेल आपको बता दें इस 20 साल के जनरेशन लीप के बाद आयशा सिंह ने पहली बार भाविका शर्मा के लिए कहा है कि ये बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। जितना प्यार छोटी सवी को मिला है उतना ही प्यार भाविका शर्मा को भी मिलना चाहिए। वेल आपको बता दें आयशा सिंह ने नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हुए ये भी साफ कर दिया था कि मैं ये चाहती हूँ कि जैसा प्यार लोगों ने सई और विराट को दिया है वैसा ही नए जनरेशन को भी दिया जाए। हालांकि मेकर्स ने पूरी फुल प्लानिंग कर ली है कि वैसी ही माँ की तरह जिंदगी तबाह हो जाने वाली सावी की, लेकिन सावी को लेकर आयशा सिंह ने कहा कि मुझे भाविका शर्मा का कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया है और भाविका शर्मा एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि आयशा सिंह को सई के कैरेक्टर में जितना पसंद किया गया है उतना ही उनकी बेटी को भी प्यार दिया जाए। वल भाविका शर्मा के कैरेक्टर को लोग पसंद कर रहे हैं। नील भट्ट और आयशा सिंह की एग्जिट पर क्या वाकई आप भी मिस कर रहे हैं सई और विराट को? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।